नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रशासकों के सशक्तिकरण के लिए पंजाब के मोहाली से अभियान की लॉन्चिंग, संस्था के प्रशासक प्रभाग का आयोजन। पूरे देश भर में मनाया गया मदर्स डे। ब्रह्म कुमारी के कई सेवा केंद्रों पर माँ की अहम भूमिका एवं अतुलनीय योगदान पर चर्चा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सड़क सुरक्षा जागरूकता मोटरसाइकिल रैलियों का आयोजन जारी। यातायात नियमों की जागरूकता के साथ तनाव मुक्त रहने के दिए टिप्स। और यूके के लिसेस्टर में ब्रह्म कुमारीज द्वारा अवंती फील्ड स्कूल में वर्कशॉप, हेल्थ और वेलबींग पर दिया प्रशिक्षण। अब खबरें विस्तार से। पंजाब के मोहाली सेवा केंद्र पर प्रशासकों, एग्जीक्यूटिव्स और प्रबंधकों के लिए चलाए जाने वाले अभियान सुशासन और सतत प्रगति के लिए प्रशासकों का सशक्तिकरण की लॉन्चिंग सेरेमनी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें फाइनेंस और टैक्सेशन के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के एपी सिन्हा, होम एंड जस्टिस के स्पेशल सेक्रेटरी, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के ज्वाइंट डायरेक्टर गौतम सिंघल, आगरा के पूर्व कमिश्नर सीताराम मीणा, प्रशासक प्रभाग की अध्यक्षा बी के आशा, पंजाब जोन की प्रभारी बी के प्रेमलता समेत मोहाली की प्रभारी बी के प्रेम उपस्थित रहे। संस्था के प्रशासक प्रभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए बी के आशा ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि चुनौतियां व्यक्ति के भीतर छिपी शक्तियों, गुणों और क्षमताओं को जगाती है। बस हमें धैर्य और अनुशासन बनाए रखना है। आगे अतिथि उन्हें प्रशासन कला को निखारने के लिए अपने अनुभवों से सभी को लाभान्वित किया। समस्या आती है तो हम अपने ही सवाल जवाब, अपने प्रश्न उत्तर से अपने आप को इतना व्यस्त रखते हैं अपने मन को, जो कि और कोई चीज एक्सेप्ट हो उसकी मार्जिन नहीं रहती है। लेकिन जब हम अपन को साइलेंस में ले जाते हैं, शांति में बिठाते हैं, इसको मैं कहा करती हूं SOS मेथड, स्टैंड बैक, ऑब्जर्व एंड स्टीयर। एडमिनिस्ट्रेशन में आने का सबसे ज्यादा जो है अट्रैक्शन ये होता है कि आपका डिसीजन समाज को इन्फ्लुएंस कर सकता है, आपके डिसीजन से एक सोसाइटी को जो है पॉजिटिव डायरेक्शन मिल सकता है। अगर आप स्पिरिचुअली इंपावर्ड होंगे तो इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली समाज इंपावर्ड होगा, सोसाइटी को इंपावर्ड करने का जो है मेन ब्रिज जो है ये जो है एडमिनिस्ट्रेटर है। दुख और अशांति, डिप्रेशन, टेंशन, परेशानियां, समस्याएं जो है इसको हम देखकर समझ सकते हैं कि दया, करुणा और सहानुभूति सर्वात्माओं के लिए बहुत आवश्यक है। हर इंसान की जिंदगी में माँ सबसे अहम स्थान रखती है। वह अपने बच्चों के मन की बातें कहे बिना ही आसानी से समझ जाती है। अच्छी परवरिश से लेकर सही मार्गदर्शन के रूप में हर समय वह अपने बच्चों का साथ देती है। मदर्स डे एक ऐसा ही दिन है जो माँ को समर्पित है। इस दिन को हर किसी ने स्नेह, प्यार और उमंग उत्साह के साथ सेलिब्रेट भी किया। वहीं ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्रों पर भी कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें जम्मू के बन तालाब चरित्र निर्माण भवन में मदर्स डे मनाया गया। इस मौके पर अतिथियों के तौर पर स्थानीय स्कूल के प्रिंसिपल उषा खेर, डॉक्टर वैशाली ठाकुर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुदर्शन, बीके कुसुम उपस्थित रहे। वहीं जम्मू के रियासी में भी इस दिवस को मनाया गया। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के सोलन में भी इस दिवस पर मूल्यनिष्ठ परिवार के लिए माताओं का योगदान विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुषमा, पार्षद रेखा साहनी समेत कई माताएं बहने उपस्थित रही। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों की, जिसमें मंडला के विश्व शांति भवन में आयोजित कार्यक्रम में
पतंजलि योगपीठ महिला अध्यक्ष अर्चना देशमुख, सेवा केंद्र प्रभारी बी के ममता समेत कई प्रतिष्ठित महिलाएं उपस्थित रहीं। ऐसे ही पन्ना सेवा केंद्र पर मातृशक्ति का सम्मान किया गया। इंदौर के ओम शांति भवन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ऐसा ही कार्यक्रम जावरा रीवा नरसिंहपुर के दिव्य संस्कार भवन में हुआ। हरपालपुर सेवा केंद्र, करेली के दो अलग अलग सेवा केंद्रों पर कार्यक्रम हुआ। इसके साथ ही एमपी की राजधानी भोपाल में भी मदर्स डे पर कार्यक्रम किया गया, जहां महिलाओं को सम्मानित किया गया। अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के स्थानों पर आयोजित मदर्स डे के कार्यक्रमों की ओर, जहां हाथरस सेवा केंद्र पर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार वैद्य, सेवा केंद्र प्रभारी बी के सीता समेत कई प्रतिष्ठित महिलाएं उपस्थित रहीं। वहीं मिर्जापुर के प्रभु उपहार भवन में आयोजित कार्यक्रम पर विशिष्ट महिलाओं को नारी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। ऐसे ही राजस्थान जयपुर के सोडाला सेवा केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक क्षेत्र की कई जानी मानी मातृशक्तियां उपस्थित रहीं, जिसमें जयपुर राजा पार्क सब जोन प्रभारी बी के पूनम, बॉलीवुड अभिनेत्री शशि शर्मा, सोशल एक्टिविस्ट नितिशा शर्मा, सेवा केंद्र प्रभारी बी के स्नेह ने पावर ऑफ मदर्स लव पर अपने विचार रखे। वहीं भिलवाड़ा भीनमाल एवं तीवरी सेवा केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बच्चों ने नृत्य और कविता के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट किया। अब बात करते हैं पंजाब के विभिन्न शहरों में आयोजित मातृ दिवस की, जहां फरीदकोट सेवा केंद्र, जैतो सेंटर, कोट कपूरा और मुक्तसर सेंटर पर मदर्स डे मनाया गया, जिसमें मूल्यनिष्ठ परिवारों के लिए मां की मुख्य भूमिका तथा उनके अतुलनीय योगदान पर बात की गई। ऐसे ही जोगीवाला और मलोट सेंटर पर इस दिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ऐसे ही मदर्स डे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सेवा केंद्र, थमतरी और कोरबा सेवा केंद्र में भी मनाया गया, जहां बी के बहनों ने सभी को मातृ दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं हरियाणा के रोहतक सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बी के रक्षा समेत कई गणमान्य महिलाएं उपस्थित रहीं। ब्रह्म कुमारीज के 20 प्रभागों द्वारा पूरे भारत के करीब हजारों स्थानों पर आजादी महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं संस्था के यातायात एवं परिवहन प्रभाग द्वारा गुजरात के अटलाद्रा सेवा केंद्र एवं मंगलवाड़ी सब जोन द्वारा सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, विधायक सीमा बेन, अटलाद्रा सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा, मंगलवाड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सुरेश समेत शहर के कई गणमान्य लोगों ने हरी झंडी दिखाकर किया। रैली में शी टीम के पुलिस कर्मियों के साथ साथ यातायात पुलिस के जवान, 450 से अधिक ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़े सदस्य रैली में शामिल हुए। वहीं यात्रा से पहले मंगलवाड़ी सेवा केंद्र पर कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें अतिथियों एवं संस्था के सदस्यों ने लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। वहीं महाराष्ट्र के भाईंदर तपस्या धाम सेवा केंद्र द्वारा सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल बाइक रैली को नगर सेवक अध्यक्ष सुरेश खंडेलवाल, नगर सेविका नीलम धवन, कांदीवली सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज,
भाईंदर सेवा केंद्र प्रभारी बीके भानु समेत कई माननीय लोगों ने हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी। ऐसे कामठे में किसानों में जागृति लाने हेतु आत्मनिर्भर किसान अभियान चलाया गया था, जिसका समापन कामठे के तारसा गांव में विशाल शोभा यात्रा निकालकर एवं कार्यक्रम आयोजित कर किया गया। वहीं पुणे के धनकवड़ी सेवा केंद्र पर वर्क इज वर्शिप विषय पर आयोजित कार्यक्रम में मोसावा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहन वाणी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुलभा उपस्थित रहे। ऐसे ही कणकवली सेवा केंद्र द्वारा निकाली गई सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल रैली का फ्लैग ऑफ सिंधुदुर्ग के सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नंद किशोर काले, सिंधुदुर्ग सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा, बीके संध्या ने किया। इस रैली के द्वारा लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया गया। वहीं मध्य प्रदेश छतरपुर के सटई में शिक्षकों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिजावर सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रीति ने शिक्षकों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। इसके साथ ही रीवा के नगर परिषद कार्यालय में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ के कोरबा में सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल यात्रा कार्यक्रम का आयोजन जमनीपाली NTPC के अम्बेडकर भवन में आयोजित किया गया। असिस्टेंट मैनेजर MS पॉल, बीके बिंदु मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। इस कार्यक्रम में CISF के जवान भी शामिल हुए। वहीं बीके बहनों ने सभी से यातायात के नियमों का पालन करने की शपथ कराई। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। UK के लिसेस्टर में ब्रह्मकुमारीज द्वारा अवंती फील्ड स्कूल में वर्कशॉप का आयोजन किया गया। हेल्थ और वेलबींग को लेकर आयोजित इस वर्कशॉप में लिसेस्टर सेवा केंद्र द्वारा वर्चुअल व्हील, शक्ति व्हील और एनवायरमेंटल एग्जीबिशन लगाई गई, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके इंदु और राजू का शिक्षिका बीके सुकांति ने स्टूडेंट्स को विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही राजू का मेडिटेशन की टेक्निक भी सिखाई। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।